दोस्तों आज एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ता हो चुका है AN-32 विमान जो कि असम से उड़ा था और न जाने अरुणाचल की किन जंगलों में जाके गुम हो गया। एक हफ्ता हो चुका है, सरकार ने 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान तो कर दिया, मगर जिन न्यूज चैनल्स में, जिस देश की जनता में उन 13 लोगों के गायब होने को लेकर एक आक्रोश होना चाहिए, एक चिंता होना चाहिए, वो पूरी तरह से नदारद है, वो पूरी तरह से गायब है। उनके नाम याद हैं आपको? आपको नाम तक याद नहीं होंगे, आज उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं। पहला नाम है एम गर्ग का, दूसरा नाम चार्ल्स, तीसरा नाम मोहांटी, चौथा नाम तनवर, विनोद थापा, अनूप शारन, के मिश्रा, पंकज, एस के सिंह, राजेश कुमार और पुतली। और जानते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जब यह खबर आई थी कि किस तरह से AN-32 विमान गायब हो गया, उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इनमें से गायब हुए एक इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी की पत्नी भी मौजूद थी। मैं नहीं जानता कि इस वक्त उस परिवार का क्या हाल होगा, उसका परिवार किस दोजक से गुजर रहा होगा। और इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम भारतीय कितने खोखले देशभक्त हैं, कितने खोखले देशभक्त हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले एक हफ्ते में किसी भी न्यूज चैनल में सरकार पर इस बात को लेकर दबाव नहीं बनाया गया कि आखिर हमारे वो 13 इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी, वो ऑफिसर्स वापस कब आएंगे। और अगर ये एक घटना होती तो बात समझ में आती। इससे पहले क्या हुआ था याद आपको? किस तरह से MI-17 हेलीकॉप्टर, ये बालाकोट और पुलवामा के दौरान जो घटनाक्रम हुआ था, MI-17 हमारा अपना हेलीकॉप्टर, उस पर हमारी ही मिसाइल दाग दी गई। दोस्तों इसे हंसी में मत उड़ाइए, यह हंसी में उड़ाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे की सियासत को समझिए। क्योंकि हकीकत यह है कि हमारे देश की जनता को पिछले 4 या 5 सालों में दिमाग से इतना कुंद कर दिया गया है, इतना मंदबुद्धि बना दिया गया है कि अब इस तरीके से हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी इंटेलिजेंस को चुनौती दी जा रही है। अब चूंकि सरकार नाकाम है, AN-32 विमान कहां गया तो चैनल यह चला रहा है कि साहब एलियंस उसे उठा ले गए, और इस देश की नादान जनता इस पर विश्वास भी कर लेगी, यकीन मानिए विश्वास भी कर लेगी। रिपोर्ट की रहस्यमय तरीके से एक विमान के लापता होने की पूरी कहानी बताएंगे आपको। हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे पूरी दुनिया हैरान है, हर कोई परेशान है और पूरा सिस्टम हलकान है। मामला इंडियन एयरफोर्स के एक विमान के लापता हो जाने का है। विमान के लापता होने के 4 दिन बाद अब तक कोई भी उसका सुराग किसी को नहीं मिल पाया है, शायद उस विमान को एलियन ले गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान को शायद एलियन ले गए हैं। क्योंकि जिस देश के राजनेता लगातार गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जब आतंक के आरोपी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई चीज हैरत में नहीं डालती। और ये जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाई एक चैनल की, इससे लेकर मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं है, मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा। हंसना आपको चाहिए खुद पर, इस रिपोर्ट पर नहीं, खुद पर चाहिए कि आपको हमारे न्यूज चैनल्स कितना बड़ा मूर्ख समझते हैं, कितना बड़ा मूर्ख समझते हैं। क्योंकि अगर इनमें देशभक्ति का जज्बा होता ना दोस्तों, तो ये जब हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर हमारी मिसाइल से उसे मार दिया गया, मैं उसे गुनाह नहीं मानता, उसके लिए कोर्ट मार्शल भी किया जा रहा है मुझे बताया जा रहा है, मगर सरकार के दबाव के चलते किस उस तरह से उस रिपोर्ट को दफन कर दिया गया, उसको लेकर हमारे मीडिया को सवाल उठाना चाहिए था, हमारे मीडिया को सवाल ही उठाना चाहिए था कि एक हफ्ता हो गया, आखिर हमारे वो 13 इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स हैं कहां। मगर आपसे अगर मैं ये उम्मीद करूं तो बहुत ज्यादती होगी, क्योंकि जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए तो आपने, यानी कि देश की जनता ने, अपनी सरकार से कुछ बुनियादी सवाल नहीं पूछे थे,
कि आखिर 40 जवानों की मौत हुई कैसे, आखिर एक आतंकवादी 300 आरडीएक्स किलोग्राम आरडीएक्स लेकर पहुंचा कैसे हमारे जवानों के पास। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बार बार मिल रही थी, फिर भी सरकार ने या एजेंसीज ने उस पर काम क्यों नहीं किया। आपने यह तक सवाल नहीं किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर क्यों उसे सियासी तौर पर भुनाती रही। उसके बाद बालाकोट में एक तथाकथित प्रतिशोध हो गया, मामला खत्म। जय मोदी जय जयकार होके सब मामला खत्म, हम बस उतने से ही खुश हैं। अब मैंने तथाकथित प्रतिशोध कह दिया तो इसके लेकर आप में से कुछ लोग मुझे देशद्रोही बताएंगे, मगर आप लोगों में इसे इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम आप अपनी सरकार से पूछें कि AN-32 विमान जो गायब हुआ है आखिर वो 13 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स कहां हैं। आप में इतनी सी भी शर्म नहीं है कि आप ये सवाल पूछ सके। पूछेंगे आप, है दम आप में? आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आप कायर हैं, आपकी देशभक्ति कायराना है, आपकी देशभक्ति नकली है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारा मीडिया उसमें एक किरदार निभा रहा है। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं दोस्तों। देश में इस वक्त गर्मी का प्रकोप है, हाहाकार मचा हुआ है, और हमारे न्यूज चैनल्स किसे दोष मढ़ते हैं, किस पर दोष मढ़ते हैं? पाकिस्तान पर। देखिए आप खुद, का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। विशेषज्ञों की माने तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से आने वाली पश्चिमी गर्म हवाओं की वजह से भी देश में गर्मी बढ़ रही है। ये गर्म हवाएं सिंध की तरफ से आ रही हैं। जाहिर है पाकिस्तान के सिंध में भारत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से सटे पश्चिमी राजस्थान और सिंध इलाके में गर्मी विकराल हो गई है और इसका असर पूरे उत्तर भारत में पड़ रहा है। वाकई दोस्तों मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम कितना जलील होंगे, और अगर हमारा मीडिया हमारी राजनीतिक सोच के बहकावे में आकर हम खुद को कैसा देश बना रहे हैं। हम खुद को मूर्ख बना रहे हैं, हम खुद को असुरक्षित बना रहे हैं, हम बात बात पे भड़क जाते हैं, हम खुद में खाइयां पैदा कर रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं और खुद के अंदर की इंसानियत भी खत्म कर रहे हैं। उसकी मिसाल है अलीगढ़ की वो शर्मनाक घटना। आप जानते हैं दोस्तों, मैंने अब तक ट्विंकल शर्मा की शक्ल नहीं देखी, अब तक वो शक्ल नहीं देखी, मगर न जाने कहां से मेरे फोन पर उन दो दरिंदों की फोटो आ गई। वो चेहरे देखकर मैं ना सो पाया हूं, ना ठीक से कुछ सोच ही पा रहा हूं। और मेरी इस दुविधा को आप सब समझेंगे क्योंकि आप और हम सब उस पूरी घटना से प्रभावित हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बार फिर उसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया है। मीडिया एक बार फिर कह रहा है कि इस मुद्दे पर स्वरा भास्कर या बाकी बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं, जो लोग कठुआ के दौरान प्लैकार्ड्स लेकर सामने आ गए थे, पोस्टर्स लेकर सामने आ गए थे, आखिर अब खामोश क्यों हैं। दोस्तों मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मीडिया की जो कोशिशें थी या एक विशेष राजनीतिक विचारधारा की जो कोशिशें थी, उसका नतीजा यह है कि अलीगढ़ के टप्पल गांव में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर के लोगों का आना लगातार जारी है, वहां पर माहौल तनाव बन रहा है, यानी कि जो पूरी साजिश थी वो कामयाब हो गई। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अलीगढ़ में उन दो राक्षसों के समर्थन में क्या मुसलमानों ने रैलियां निकाली, क्या उनके समर्थन में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रैली निकाली? बताइए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इसी तरह से एक मासूम का बलात्कार किया था एक मुसलमान ने। उस वक्त उस शहर के मुसलमानों ने कह दिया था कि हम इसे सुपुर्दे खाक करने के लिए, दफनाने के लिए जमीन तक नहीं देंगे। क्या उस वक्त शहर के मुसलमानों ने उस बलात्कारी के पक्ष में रैली निकाली? नहीं निकाली। मगर कठुआ में क्या हुआ था, कठुआ में क्या हुआ था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये दो महानुभव, दो मंत्री जम्मू कश्मीर सरकार के, उन्होंने बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकाली। बाकायदा एक अखबार दैनिक जागरण ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत ढंग से पेश किया।
जी न्यूज ने भी एक 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 ड्रामा एक किस्म का एक एक रिपोर्ट चलाई कि किस तरह से एक आरोपी जो है वो एक एटीएम से पैसे निकाल रहा था। कानून की भाषा में उसे एलिबाई क्रिएट करना कहते हैं, यानी कि आप अपने लिए एक जमीन तैयार करते हैं कि साहब मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो यहां पर था, और जांच में पाया गया कि वो सरासर झूठ निकला। तो ऐसे में यह तुलना जायज है? और क्या इन तमाम लोगों में से कोई भी सवाल कर रहा है कि आखिर अब तक योगी सरकार इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? इस पर एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया इन्होंने? जानते हैं क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि इनका काम कोई और नहीं बल्कि हमारी मीडिया कर रही है, हमारे समाज का एक खास तबका कर रहा है जो इसे हिंदू मुस्लिम बना रहा है, जिससे जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले, इससे समाज बट रहा है, हमें कड़वाहट बट रही है, हमें असुरक्षाएं बट रही हैं, और सियासी फायदा सिर्फ बीजेपी को हो रहा है। मगर इतनी सी आसान सी बात आप समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए देशभक्ति के साथ साथ आपकी इंसानियत भी नकली है। आपके जहन में ट्विंकल शर्मा के लिए कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आप सिर्फ इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसके अलावा आपके अंदर की कोई इंसानियत नहीं है, ढकोसला है आप, एक चलता फिरता ढकोसला। तुम्हारे इस ढकोसले को मैं समझ गया हूं, अगर इस देश की जनता नहीं समझ रही है तो यह उनकी इच्छा है, यह उनकी मूर्खता है। वाकई एक बहुत ही कल्पना से विचित्र समाज में हम जी रहे हैं। पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया इस वक्त जेल में है, उन्हें दो ऐसी धाराओं के अंतर्गत जेल में रखा गया जिसके अंतर्गत उन्हें जेल में नहीं रखा जाना चाहिए था। धारा 500 जो कि डेफेमेशन से जुड़ी है वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यानी कि मजिस्ट्रेट का आदेश होगा तभी आरोप सिद्ध होने के बाद आप जेल में डाले जा सकते हैं, मामला डेफेमेशन से जुड़ा है। मगर योगी सरकार ने पहले ही प्रशांत कन्नौजिया पर एक ट्वीट शेयर करने के लिए, और मैं स्पष्ट कर दूं मैं उस ट्वीट के पक्ष में नहीं हूं, मगर सवाल यह कि उसके लिए प्रशांत कन्नौजिया को जेल में डालने की कतई जरूरत नहीं है, अदालत के रुख से स्पष्ट हो जाएगा। मगर आप एक भय से भरे समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं, न सिर्फ प्रशांत कन्नौजिया बल्कि एक और न्यूज चैनल के दो और पत्रकारों पर उस पर डिबेट करने के चलते उन्हें भी कारावास में डाल दिया गया, और इस बात को लेकर कोई आक्रोश किसी बड़े न्यूज चैनल में आपको नहीं दिखाई देता। यह इस समाज की हकीकत है। बहरहाल यकीन मानिए दोस्तों, मुझे लगा था कि छुट्टियों के बाद, खासकर मां बाप के साथ बिताए गए वक्त के बाद मैं आऊंगा तो कुछ दिन मैं उम्मीद करूंगा कि शायद क्रिकेट पर आपसे चर्चा करूं, गैर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करूं, कुछ सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करूं, मगर मेरे पास विकल्प ही कहां है बताइए। इन घटनाओं को क्या मैं नजरअंदाज कर दूं? मैंने कोशिश बहुत की दोस्तों, बहुत कोशिश की, 10 दिनों से मैं खामोश था, खैर मैं छुट्टी पर भी था, मगर जानबूझकर मैंने अपने कान बंद कर रखे थे। मगर क्या करूं, आपकी इंसानियत मुझमें नहीं है ना, आपकी जो इंसानियत का स्टैंडर्ड है वो मुझमें नहीं है। माफ कीजिएगा मगर एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि आपकी इंसानियत और आपकी देशभक्ति नकली है, फर्जी है, उसके अलावा कुछ नहीं। न्यूज चक्र में बस इतना ही, इसी तरह से अलग अलग मुद्दों के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और आप सबसे मेरी अपील कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिप को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।